ये सिक्स्थ सम है, हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एलसीएम लेना है। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि जैसे कि फर्स्ट वन है x-1, उसके डिनोमिनेटर में देखना है, उसके डिनोमिनेटर में x-2 है, उसके अलावा क्या क्या है वो लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 एंड x-4, यहाँ शुरुआत में 3 कहीं भी लिख सकते हैं, मैं शुरुआत में लिख रहा हूँ x-4 प्लस x-3 मैंने लिखा। यहाँ पे क्या हो गया, x-4 है तो यहाँ पे x-2 एंड 3 लिखना है। 3 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई में हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे x-2 x-4। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को एज इट इज रख रहे हैं, और ये x x के साथ है तो x2, ये x4 के साथ है तो -4x, ये -1x के साथ है तो -x, ये है +4 ब्रैकेट ओवर। यहाँ हम 3 बाहर रख रहे हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया वैसे ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा, x(x)(x)2, -2x -3x+6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, x(x)(x)2, दैट्स -4x -2x+8। अभी यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x² देन 12x देन 3x+12+3x² -6x -9x+18 इज इक्वल्स टू 10x² -40x -20x+18। अभी हम लाइक टर्म्स एक साथ कर रहे हैं, तो देखो ये 3x² ये 3x² क्या हो जाएगा, 6x², ये 10x² को इक्वल टू की ये साइड ले लेंगे तो -10x², -12 -3 -15 -15 -6 -21 -30 -30x, ये यहाँ पे 2 है। फिर +12 +18 तो वो हो जाएगा +30। यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए रखा है कि इसको हम ये साइड ले लेंगे तो -40 -20 ये साइड आएगा तो +60x हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ये -60x है, ये साइड आएगा तो +60x, ये 80, ये साइड आएगा तो -80। अभी -4x² -+30x, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, बिगर नंबर साइन, -50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2x² -15x+25, बिकॉज सबकी अपोजिट साइन लिख रहा हूँ मैं। अभी टर्म्स को हमें स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करो तो चाहिए 50, प्लस करो तो चाहिए -15। तो ये तो बहुत ही आसान है, -10 -5 +50, -10 -5 -15। तो यहाँ पे हमने टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, ये हो जाएगा 2x² -10x -5x+25 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों से कॉमन हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में रह जाएगा x-5, यहाँ पे -5 कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा x-5, 2x-5 एंड x-5 दोनों के इक्वल 0, 2x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/2, x इज इक्वल्स टू 5। सो दिस टू आर माई सॉल्यूशंस, सो आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।